वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलएच सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते, भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और एक ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं, कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो, हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशनल डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को, ये आप हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बारे आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है, वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को, वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा, कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर? मोहन भगवत, हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलएच सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले?